हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सरगम नेचर ब्यूटी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि आप घर पर किस तरीके से थ्रेडिंग बनाना सीख सकते हो, धागा चलाना सीख सकते हो। और मैं आगे वीडियो में थोड़ा सा आपको क्लिप भी दिखा दूँगी किस तरीके से थ्रेडिंग को बनाते हैं अगर आप फोरहेड पर धागा चलाना चाहते हैं। आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो या आप बिगनर हो, नए हो, आपको बिल्कुल भी धागा चलाना नहीं आता, तो मैं आगे वीडियो में आप लोग को दिखा दूँगी कि किस तरीके से फोरहेड पर मैं धागा चला के आप लोग को दिखाऊँगी कि कैसे आप जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं या आपके फोरहेड पर हेयर्स होते हैं तो उसको किस तरीके से आप निकाल पाओगे और कैसे आपको निकालना है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आप लोग को धागा पकड़ना बताऊंगी कि किस तरीके से आप धागा पकड़ के और अच्छे से चलाना सीख सकते हो। तो चलिए दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इस तरीके की धागा लेना, देख सकते हो ये थ्रेडिंग धागा, इसी से हम लोग थ्रेडिंग बनाते हैं। तो अगर आप इसको लेना चाहते हो तो आपको ये 40 नंबर का धागा आपको कहीं भी मिल जाएगा। आप मार्केट में जाके ले सकते हो इस तरीके से, और नहीं तो इस पे का एक वाइट वाला आता है वो भी आप ले सकते हो। तो इस तरीके से ये धागा आप देख सकते हो, आपको यहाँ से खोल लेना है ना, और इस धागे को आपको यहाँ पे फंसाना, देख सकते हो। ऐसे करना है और इसको देखिए ऐसे ऐसे, इसी तरीके से आपको धागा पहले चलाना सीख लेना, प्रैक्टिस करना है। अगर तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप चला सकते हो इस तरीके से। यहाँ पे जब आपको चलाना धागा आ जाएगा, आप एक पेन की आकार से इस तरीके से थ्रेडिंग बना लीजिए, और थ्रेडिंग के बाहर ही आपको धागा चलाना है, यानी जो आपके थ्रेडिंग के बाहर की हेयर्स रहेगी उसको निकालना है, अंदर नहीं जाना है। इस तरीके से आप थ्रेडिंग बनाइए यहाँ पर, और इसके बाहर के जो हेयर्स होते हैं उसको निकालिए। इसी तरीके से आप जब एक बार, दो बार, तीन बार आप प्रैक्टिस करेंगे, बनाएंगे, तो आपको बहुत ही आसानी से धागा चलाना और थ्रेडिंग बनाना भी आ जाएगा। तो देखिए, मैं आप लोग को बता भी दे रही हूँ, ऐसे करना है। देखिए यहाँ पे है ना, 1 2 3 4 5 6, आपको 4 से कम नहीं लेना है और 6 से ज़्यादा नहीं। देखिए इस तरीके से ये, और जो हमारा ये है ना, इसी में धागा हमको फंसाना है, इसी में। देखिए इस तरीके से ये ऐसे, इसी तरीके से आप पहले यहाँ पे धागा चलाना सीखिए, और इसी पेन की आकार से आप एक थ्रेडिंग बनाइए। उसके बाहर की जितनी भी आपको हेयर्स दिखे उसको आपको निकालना है, अंदर नहीं जाना है। थ्रेडिंग के अंदर की हेयर्स को नहीं निकालना, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। सबसे पहले आपको थोड़ी सी वीडियो दिखा देती हूँ और बता देती हूँ कि कैसे करना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पे टेलकम लगा ले रही हूँ। आप भी इसी तरीके से थ्रेडिंग या फॉरवर्ड पे कर रहे हैं तो पहले टेलकम को लगाना ज़रूरी है। अब मैं यहाँ पे फॉरहेड पे जो मेरा धागा उसको चलाऊंगी और फॉरहेड के हेड्स को निकालूंगी। तो आप ध्यान से देखिएगा किस तरीके से मैं चला रही हूँ। अब आपको मैंने धागा भी चलाना बताया हुआ कि किस तरीके से आपको हेयर्स को फंसा के और निकालना है। तो इस तरीके से मैं फटाफट से, आप देख रहे हो, मैं चला रही हूँ, और जो फॉरहेड्स के हेयर्स को पहले उसको मैं निकालूंगी, फिर उसके बाद में थ्रेडिंग भी आपको थोड़ी सी बना के दिखा दे रही हूँ कि किस तरीके से बनता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी क्लिप लगाऊंगी, और ये रिकॉर्डिंग मेरी बेटी कर रही थी तो बहुत अच्छे से नहीं कर पाई है, वो बहुत ज़्यादा कैमरे को हिला रही थी। अब मैं यहाँ पे थ्रेडिंग कर रही हूँ, आप देख पा रहे होंगे। और थ्रेडिंग को आप जब भी करना है तो बीच से उठाना, पहले बीच की बाल निकालिए, उसके बाद में आपको ना तो आगे और पीछे के हेयर्स को नहीं निकालना, सबसे पहले आपको बीच का निकालना। इसी तरह तो इस तरीके से थ्रेडिंग बनेगी। आप देख सकते हो मेरी एक थ्रेडिंग बनके रेडी भी हो चुकी है। अब मैं दूसरा भी फटाफट से बना लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से बनते हैं। तो आप देख सकते हो मेरी थ्रेडिंग बन भी गई है। तो इसी तरीके से आप पहले धागा चलाना सीखे, उसके बाद थ्रेडिंग बनाना आ भी जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने फोरहेड पर किस तरीके से धागा चला के और निकाला हुआ है, फोरहेड को बनाया हुआ, तो आप भी उसी तरीके से बना सकते हो। थ्रेडिंग भी मैंने आपको थोड़ी सी दिखा दी कि कैसे बनाया है। नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से आप लोग को थ्रेडिंग बनाना सिखाऊंगी कि कैसे आप एक एक बाल करके निकाल के थ्रेडिंग अच्छे से बना सकते हो। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगर आप लोग को इसी तरीके की वीडियो देखनी है, यानी आपको थ्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो देखनी है, तो मेरे चैनल पर एक दो और भी वीडियो पड़े हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। अगर आपको खुद की थ्रेडिंग बनानी है और कैसे धागा को करते हैं, कैसे चलाते हैं, कैसे बनाते हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हो। मैंने वहाँ पे भी थ्रेडिंग की वीडियो डाल दी है, जो मैं अपनी थ्रेडिंग खुद से बनाती हूँ, मैंने उसकी भी वीडियो अपने चैनल पर डाल रखी है। आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो और सीख भी सकते हो। तो इसी तरीके से आप थ्रेडिंग बनाना सीख सकते हो। पार्लर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप घर पर ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीख सकते हो।
तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, बताने का तरीका अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो के लिए एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल के बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहुँचे और हमारी वीडियो का लाभ सबसे पहले आप उठा पाएँ। तो इसी तरीके के कॉन्टेंट को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी तरीके के कॉन्टेंट लाती रहती हूँ जो आप लोग को बेहद पसंद आएगा, और हमारे चैनल को एक बार चेकआउट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।